हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम पंकज सर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट एंड माय लवली चैनल डिस्कवरी पावर बाय मास एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलास्टिसिटी। व्हाट इज द इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ व्हिच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव देन इट गॉट इट्स इनिशियल पोजिशन। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। अब इसी को हिंदी में समझा देते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को खींचने पर वापस अगर उसको छोड़ दें और वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी। और वापस लोड करने आए तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी। क्या बोलेंगे उसको? प्लास्टिसिटी। तो लिखिए डीफॉर्मिंग फोर्स deforming force is removed, then body like rubber retain its initial position, then it is called elasticity. If body not gain its initial position, then we can say it is plasticity. Got it, बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोल दो। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। क्या है बच्चों? स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को पुल करके अगर हम छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे जंपिंग करेगी और थोड़ी देर बाद में क्या आ जाएगी? इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसकी प्रॉपर्टी हो गई, मान लीजिए आपके पास एक रबड़ है, इस रबड़ को आपने क्या किया? कुछ वेट लटकाने के बाद ये क्या करेगा? अप एंड डाउन करेगा। और अप एंड डाउन करने के बाद अगर हम इसको हटा दे तो वापस ये क्या करेगा? इस वेट को हटा दे तो ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। बात खत्म। यही हमारे पास क्या होती है? अरे बोलो बच्चों क्या होती है? बोलो ना नालायको। हाँ, इलास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये इलास्टिसिटी में हमारे पास एक वर्ड आता है, देखो क्या, स्ट्रेस। क्या आता है? स्ट्रेस। व्हाट इज द स्ट्रेस? स्ट्रेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। एक तरह का ये प्रेशर ही है। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? एक तरह का प्रेशर ही है। तो ये S इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और कितने टाइप का होता है बच्चों बताइए? कितने टाइप का होता है बताओ? टेंजेंशियल। पहला कौन सा है? टेंजेंशियल। दूसरा कौन सा है? लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
तीसरा कौन सा होता है बच्चों? शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस है। ओके गाइस, ये स्ट्रेस। और फोर्थ कौन सा है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग जैसे न्यूज होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे कैसे क्या होती है गाइस? ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, स्ट्रेस। ठीक है okay. तो ये स्ट्रेस कितने टाइप का हुआ? फोर टाइप का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ऐसे ही बच्चों एक टर्म और होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं गाइस? स्ट्रेन। आर यू रेडी? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नो नो नो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास रबड़ है, तो उसमें क्या आएगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। या फिर क्या लिख सकते हैं? चेंज इन लेंथ की जगह क्या आ सकता है? एरिया भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है, एरिया भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आ सकता है। ये स्ट्रेन है। अब इसके बाद हम गाइस पढ़ेंगे हुक्स लो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हुक्स लो। व्हाट इज द हुक्स लो? हैव यू रिटन नाउ? ओके गाइस, हुक्स लो में क्या होगा? अंडर द इलास्टिक लिमिट, यस प्लीज राइट डाउन हुक्स लो। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन जैसे प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, हम हटाते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आया ई, और इस ई को क्या बोलते हैं गाइस? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? अरे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं गाइस? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और ये थ्री टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? ये थ्री टाइप्स का पढ़ते हैं अपन। इसको नोट कर लीजिए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है बच्चा? जैसे स्ट्रेस का हमने कहा, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर के इक्वल होता है। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर ही होता है। और स्ट्रेन क्या होती है? डायमेंशन लेस। स्ट्रेन क्या होती है? डायमेंशन लेस। क्या होती है? डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जो यूनिट होगा, वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर के। किसके इक्वल होगा? प्रेशर के। चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस।
ओके गाइस, सेकंड है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और थर्ड है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। इन तीनों को इसको वाई से डिनोट करते हैं गाइस, इसको के से डिनोट करते हैं और इसको ईटा से डिनोट करते हैं। इन तीनों को हम इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी हैं बच्चों? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बेटा सावधानी से बैठ जा, इधर इधर हिले मत। हाँ, ठंडाई रख थोड़ी बहुत, अभी घर में आए नहीं बेटा। एवरी टाइम बैठ जा शांति से। ये बच्चा क्या है, बदमाश है, बदमाश बच्चा है ये। अच्छा तो गाइस, सबसे पहले लेते हैं अपन कोएफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। देखो बच्चों क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक वायर लिया हमने और इस वायर पे कोई वेट हमने लटका दिया और कुछ देर बाद थोड़ा वेट और लटका दिया हमने यहाँ पर, ऐसे एक्स्ट्रा वेट लटका दिया। इनिशियल इसकी जो लेंथ थी मान लीजिए वो एल थी पहले, ठीक है, और अब क्या हो गई बढ़कर, यहां तक तो एल ही थी, यहां तक तो क्या थी एल, ये मान लेते हैं इंक्रीजिंग इन लेंथ कितना है स्मॉल एल है, और ये डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है एम जी, हमने कोई वेट लटका दिया एक्स्ट्रा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो वाई इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन होगा। इसको लिख सकते हैं अपन फोर्स अपॉन एरिया, और इसको लिखा अपन ने इंक्रीजिंग इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम W भी लिख सकते हैं, ये कैपिटल L। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं W, यहां पर फोर्स भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां ये हमारे पास स्मॉल L एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और L एरिया क्या होता है वायर का पाई आर स्क्वायर, क्या होता है गाइस पाई आर स्क्वायर। एवरी रिटर्न, इसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो एक क्वेश्चन मैं करा सकता हूं आप लोगों को। लिखिए क्वेश्चन क्या है, आर यू रेडी? यस प्लीज राइट डाउन। टू वायर्स आर मेड ऑफ, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मेटल, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मेटल, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ दैट ऑफ द सेकेंड वायर, दैट ऑफ द सेकेंड वायर एंड इट्स डायमीटर इज डबल, एंड इट्स डायमीटर इज डबल। And its diameter is double that of the second wire. If load are applied on both the wires, if equal loads are applied on
both the wires. If equal loads are applied on both the wires, find the ratio of increase. Find the ratio of increase in their lengths. Find the ratio of increase in their lengths. लेंथ में कितनी इंक्रीजिंग हुई ये हमसे पूछा गया है. फॉर्मूला यही है और इसे रेफरेंस है. चलिए करिए इसको. करें हम कैसे करेंगे बताओ. ये वाई रहा फॉर्मूला रहा कैसे करेंगे बच्चों. करो ना ट्राई करो. आपको पहले आप भी तो ट्राई करो. y इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल. तो स्मॉल एल इक्वल्स टू क्या आ गया y एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू वाई. एल वन अपॉन एल टू इक्वल्स टू वेट. अगर सेम है वेट सेम है और मटेरियल भी सेम है. क्या मेटल भी सेम है इसका मतलब y भी सेम है. तो रेडियस और लेंथ में चेंज आ रहा है. उसने कहा है कि सेकंड वायर लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज हाफ ऑफ सेकंड एंड देन डायमीटर इज डबल दैट ऑफ द सेकंड. लेंथ जो है वो पहले वाले की हाफ है सेकंड के रिस्पेक्ट में. सेकंड की अगर एल है तो फर्स्ट की कितनी एल बाई टू. ऐसे ही जो डायमीटर है वो टू डी है. कर लिया वेरी गुड. पहले का अब डायमीटर से अपन रेडियस भी निकाल सकते हैं. आर वन टू आर और आर टू इक्वल्स टू ये वैल्यू जिसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा. ये आएगा आपके पास अगर इसको करोगे. Don't look here and there, Mr. Vineet Chaudhary. Don't look. Okay, guys. चलिए अगला टॉपिक लेते हैं. इसके बाद Have you written? Next लिखिए bulk modulus. Next setting डालिए bulk modulus. पढ़ ले भैया. पढ़ लेगा जल्दी डॉक्टर मिल जाएगा. क्या अन्य पढ़ेगा तो फिर बेरोजगारों की लाइन में घूमते रहना. बहुत सारे बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं. Bulk modulus. Okay. हमारे पास ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर को हमने ओल्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के पिचका दिया ऐसे. इसका वॉल्यूम कम कर दिया. वॉल्यूम क्या हो गया इसका डिक्रीज हो गया. चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम माइनस डी इनिशियल वॉल्यूम. तो आप देखेंगे k इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन क्या आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब वही फोर्स अपॉन एरिया ही है. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो हम इसको चेंज इन प्रेशर लिखेंगे. चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशर क्या लिखेंगे. चेंज इन प्रेशर इधर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को तो यहां नहीं लिखेंगे हम इधर ही लिखेंगे नीचे. चेंज इन प्रेशर इधर देखो. प्रेशर अपॉन
ये क्या है, इधर देखो। अरे पीछे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है, बीवी अपॉन वी। याद करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फॉर्मूला ये लिखा था हमने, और यहां पर आ गया गाइस डीवी, ये आ गया गाइस डीवी अपॉन वी माइनस। ये फॉर्मूला हो गया डीवी अपॉन वी। देखो गाइस ये के का फॉर्मूला बन गया गाइस। हीट में हमने लिया था, इसको याद है, हीट जब हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबेटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन व्हिच हीट एक्सचेंज इज जीरो। यू हैव फोर ग्रोथ। ओके बेटा लास्ट पढ़ते हैं, हम लास्ट कंटेंट ले लेते हैं आज के लिए। नेक्स्ट सेटिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी मतलब ईटा। हम इसको क्या करते हैं, हमने एक डस्टर लिया स्पंज वाला, उसमें फोर्स लगाया तो उसकी शेप ऐसे बदल जाती है, ऐसे बदल गई ए बी बी डेस और सी डेस। ये एंगल कितना हुआ, फाइव फाइव। तो ये मान लीजिए आप एक्स चेंज हुआ, तो ये डी ले लिया हमने, ये वाला डी अलग है ना, इसको इसलिए कहते हैं और बी डेस कर, ठीक है। तो टेन पाई कितना हुआ, एक्स अपॉन डी। इसी को बोलेंगे अपन शेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, शेयरिंग स्ट्रेस, जो फाई के इक्वल भी हो सकता है, इसको हम फाई के इक्वल एक्स अपॉन डी भी बोल सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास ईटा क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे और इसको फाई लिखेंगे, तो ये ईटा का फॉर्मूला बन जाता है। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा और उसके कोएफिशिएंट ऑफ मॉडुलस कितने टाइप का होता है उसके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल आप लोगों को करके लाने हैं। इसमें कोई भी डाउट हो अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, नीचे करो हाथ, ऐसे डाउट हो तभी पूछते हैं, नहीं तो पूछते नहीं। चलो ठीक है, नोबेल करके लाना।